सदर सुनाए खुलासा सूरह आले इमरान का। याद नहीं किया क्या करते रहे? शेख बन गए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران میں نے بتایا تھا اس میں دو تقریریں ایک تو ازالہ شبہات ہے جس میں پانچ شبے توحید پر وارد ہو رہے تھے اور تین شبے رسالت پر توحید پر ایک شبہ تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمۃ اللہ روح اللہ جیسے الفاظ ملتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اس کا اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو یہ متشابہات میں سے ہے متشابہات کا معنی مطلب اللہ ہی جانتا ہے دوسرا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزادہ کوڑوں اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے مردوں پر ہاتھ پھیرتے زندہ ہو جاتے تھے اسی بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختار کل عالم الغیب تھے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ تو معجزات ہیں معجزات انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں حق ہیں لیکن اس میں فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے اس میں ان کا کوئی اپنا کردار نہیں ہے تیسرا شبہ یہ وارد ہوتا تھا چوتھا ہو گیا دو ہو گئے نا تیسرا یہ تھا کہ ہمیں کوئی عبارتیں ملتی ہیں اپنے بزرگوں سے تو وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے اس کا جواب دیا گیا کہ ما کان لبشر ان یوتی الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول الناس کونوا عبادا لی یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ نبوت دے دے اور کتاب دے دے اور وہ لوگوں کو کہے کہ آؤ میری عبادت کرو یہ بعد میں جاہلوں نے مشرکوں نے اس قسم کے قصے کہانیاں گھڑ کر جیسے حضرت پیرانی پیر احمد کہتے ہیں کہ وہی انہوں نے کہا امداد کن درد غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شاد القادر جیلانی ایسے وظیفے پڑھتے ہیں انہوں نے کام حجت روائی کریں گے انہوں نے کب کہا ہے ان کی کتابیں پڑھیں فتول غیب پڑھیں فتح ربانی پڑھیں منی و طالبین پڑھیں اس کے اندر توحید ہی توحید ہے تو یہ گوئے کہ پیچھے لوگوں نے آ کر من گھڑت ایسے قصے بنا کر اللہ والوں کی طرف منسوب کی ہیں اس اعتبار سے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تیسرا چوتھا یہ تھا کہ مائی مریم کو بے موسم پھل ملتا تھا تو جہاں پھل کا وجود بھی نہیں تھا موسم بھی نہیں تھا آنے کا پتہ بھی نہیں تھا کہاں سے آیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے نا مختار ہیں جو چاہیں کر لیں
अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, उन तो खुद ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा या मरियम अन्ना लक हाज़ा, काला तो हुआ मिन अल्लाह की तरफ से, तो लिहाजा इसमें उनका कोई दखल नहीं है, या अल्लाह की मेहरबानी। पांचवा शुबा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि देखो जी बुढ़ापे में 90 साल या 120 साल की उम्र में बेटा मिलना जो है, जब चाह तो बेटा ले लिया। फरमाया चाह उनके अख्तियार होता तो जवानी में लेते, जवानी में तो पकार रहे हैं रब्बे, बार बार रब्बे रब्बे मुझे दे दे अल्लाह, वो ज़करिया इज़ नादा, ये तो रब को पुकारा। अगर इख्तियार होता तो हम लोगों को पुकारने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए ये तो अल्लाह का इख्तियार है, जब चाहे तो बुढ़ापे में दे दे, न दे तो जवानी में न दे, ये तो उसका इख्तियार है। तो इसलिए होना लेकर दा ज़करिया रब, वहां तो ज़करिया ने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह मुझे चाहिए कि मेरा मिशन आगे चलाए, मेरी औलाद में ऐसा हो कि मेरा काम जो है वो रुके ना दीन का, अल्लाह ने दे दी। इसी तरह तीन शुबे रिसालत बरवायत होते थे। पहला शुबा ये था, ये देखो ना तकरीर अब याद ना रखो खुलासे तो फिर तुम्हें सूरत नहीं आई, ये तो हमारा सारा काम चलता है खुलासों रबत पर, तो इसमें कोताही मत करें, ये याद करें। हजरत हुजूर अकदस पर एतराज़ था कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ऊँट का गोश्त हराम समझते थे, ये नबी हलाल समझता है, इसलिए इनका तरीका सारे नबियों के तरीके के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, कुल तुआ में का नहिल लले बनी इसराइल, सारा किस्म का खाना हलाल थे, इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सी, याकूब अलैहिस्सलाम ने नज़र मानी थी उस वक्त, ऐसी नज़र जायज़ थी कि मुझे ये बीमारी ठीक हो जाए, जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो मैं छोड़ दूंगा, आज अब जायज़ नहीं है, ये इस किस्म का नज़र उस वक्त जायज़ था। तो सिर्फ मैं कबल तो नज़र तौरात, ये तौरात जैसे पहली मसला, अगर तौरात में है तो ले आओ, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में तो जायज़ था। दूसरा शुबा यह था कि सारे पैगंबर जो हैं वो बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ पढ़ता है, इसका तरीका इसका मिशन सब नबियों के तरीके के खिलाफ है। फरमाए नहीं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल, हाँ बहुत से नबियों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ी है, हुजूर ने भी मदीना मुनव्वरा में 16-17 महीने पढ़ी, लेकिन असल क़िबला वो बैतुल्लाह है, और बैतुल्लाह शरीफ सबसे पहले अल्लाह की ज़मीन पर ये कायम किया गया है हमेशा के लिए, असल क़िबला बैतुल्लाह है। तीसरा शुबा ये था कि अगर ये अल्लाह का पैगंबर होते तो इनको ऊँट का गोश्त न खाते, ना ये शकिस न खाते जंग उहुद में, तो अल्लाह ने फरमाया शकिस जो है वो तुम्हारी किसी कमज़ोरी की वजह से हुई है, जो नबी की बात पर या अमल पूरा नहीं हुआ तो कमज़ोरी तो होती है, क्योंकि कामयाबी जो है वो सिर्फ नबी की इत्वात में है, दुनिया की भी और आखिरत की भी, लेकिन जब आपने नबी का फरमान जो था हुक्म था वो 50 आदमी बिठाए थे कि यहाँ से हिलना नहीं है, हम का शकिस का है या, लेकिन जब काफर भाग गए उनकी भी गलती नहीं थी, देखो ना उन्होंने कहा भाई ठीक है वो चले गए तो अब हमें बैठने का क्या जरूरत है, जाओ हाजिर में आने, यानी नीयत में खराबी नहीं थी, हालात को देख कर आए, तो ये बात भूल गए कि हुजूर ने फरमाया कि यहाँ से हिलना नहीं है चाहे कुछ हो जाए,
तो बस इतनी बात थी। तो आरजी तौर पर उहद में शिरकत हुई, बाकी तो हर मैदान में इस गदाव तबिना अली काला फरमा पहले जब आए इस तहसून बिजनेल्ला, जब तुम काटने लगे उनको अल्लाह के हुक्म से, तो असल तो बात ऐसी हो गई थी। लेकिन आपने जाके फिर मामला जो था वो आपने कमजोर कर लिया, ये तो आपकी वजह से हुआ। तो इसी दीवार से मसला ये बन गया। समझे मेरी बात को? ये तो शुबहात का इजाला था। तकरीर दूसरी ये थी कि इसका भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से इब्तदा लेकर फ़कद हो दिए इला सिरात मुस्तकीम तक आजम है, तो इसलिए पहले हिस्से में भी दो मजामीन आएंगे, आज तौहीद और रिसालत जैसे सूरह बकरा में थे, और दूसरा हिस्सा यहाँ से ऐसा गज़ल्ला मीसा कर नबी यहाँ से चलेगा ऐसे जाने, तो इसके अंदर भी जनाब अली जिहाद और इन्फाक फी सबील अल्लाह और उसकी रिसालत अव्वल में होगी। वो तो ऐसा गज़ल्ला उससे रिसालत है फ़कद हुदिया इला सिरात मुस्तकीम तक, और वहाँ से मज़मूनी जिहाद और इन्फाक है, वो ज़रा खुलासे देख लो। अच्छा जी, कहाँ से पढ़ना है जी? अच्छा, रुको नंबर क्या है? जी आयत नंबर 31। इसमें आयत नहीं है ना? फैसला कर लो, वही तो अभी चला गया। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। चूंकि मैंने आपको शान नजूल बताया था कि नजरान का एक वफद आया था हुजूर अकदस के पास ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मनाजरे के लिए, और मनाजरा यही था, ये जो मैंने पांच आपको शुबहात बताए ये उनके तरफ से थे, ऐसे में नहीं। तो अल्लाह ताला ने उन शुबहात के साथ साथ ये बताया कि नबी के साथ मनाजरा नहीं होता, नबी की इत्तेबा करनी पड़ती है। ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप इनके गुलामी इख्तियार करें, शुबहात खुद ब खुद दूर हो जाएगी। शुबहात तब पैदा होते हैं कि आप अपने अक्ल को चलाएं, जब आप अकल को चलाएंगे तो शुकूक शुबात पैदा होंगे। लेकिन जब आप इत्तेबाए रसूल की बात करेंगे कि भाई मेरा प्रोग्राम, मेरी बुनियाद किस पर है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह पर, तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर रसूलुल्लाह के साथ अकीदतों कि नबी जो कहे वो अल्लाह की तरफ से है, उसमें नबी अपने तरफ से बात नहीं करता। तो जब अल्लाह की तरफ से है तो अगर अल्लाह से मिलना है तो नबी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्लाह के करीब लोग हैं अगर अल्लाह के पास जाना चाहते हो तो उस करीब वालों को मिलोगे, करीब वालों से रिश्ते जोड़ोगे तो अल्लाह तक। ये जो हम नेक बंदों के साथ अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, खिदमत करते हैं, क्यों? हम कहते हैं भाई ये अल्लाह का नेक बंदा है। तो क्या मकसद है? नेक बंदा है तो अपने लिए इबादत कर रहा है ना? नहीं भाई, इससे मोहब्बत से अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाती है, इसके करीब होने से अल्लाह के करीब हो जाता है इंसान। समझे मेरी बात को? अल्लाह वालों के जितने करीब जाओगे इतने अल्लाह के करीब जाओगे, ऐसे में यानी। और हुजूर से करीब होने के लिए अल्लाह उलमा के सुलहा के साथ ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो जब उसके वारिस है तो उनके पास तो नबी की अमानत है ना,
तो वह मर्ज लेने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, आप नहीं जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिस वक्त आप अल्लाह के नबी के ज़ात पर मुकम्मल एतमाद करके आप ये बुनियाद रखें कि उनका है, हर कौल फेल वाजिबुल इतात है, तो सारी शकूक शुबात ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे में यानी शकूक के लिए पैदा होते, मैं अपने मसलक की बात कर दूँ अपने मसले तो क्या है? ये जी हमारा मकतब फिक्र, ये क्या मकतब फिक्र है? मकतब फिक्र तो एक ही है। ऐसे में यानी हमारे ये चार मका ये जो हम बयान करते हैं ना भाई, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मकत फिक्र क्या है भाई? भाई जब किताब अल्लाह सल्लल्लाहु एक है ऐसे में यानी, तो हमें उस पर जाना चाहिए। और अब मुश्तहिद तो नहीं है, मुश्तहिद तो थे, उन्होंने निकाला कि वही इस्तेमाल करते थे किताब सुन्नत से, वो भी बुनियाद हुई थी। तो इस्तेमाल के अंदर जरा कोई फर्क आया तो अलग मसला है, लेकिन वो भी आपस में एक थे। ये नहीं कि कोई लड़ाई थी, कोई झगड़े थे। उन्हें इस आयत से ये मसले मुस्तबत होते हैं, उन्हें कहा ये होते हैं, इस हदीस से ये मसाइल निकलते हैं। ऐसे में नहीं, फिर हमारे उसूल वालों ने कहा जी इक्तदा न दलालत न, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस बुनियाद पर हैं कि हम उनकी वो बात देकर, लेकिन बुनियाद तो सबकी, चाहे अइमा हैं चाहे कोई भी, सबकी बुनियाद किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह। तो लेकिन उसमें जिससे आप लेते हैं उसके ज़ात पर रहते हैं। मसलन मैं एक बात बयान कर रहा हूँ, बयान अब मेरे ज़ात पर आपको एतमाद ना हो तो आपको तफसीर समझ नहीं आएगी, आप कहेंगे पत्नी शाह साहब ठीक कहते कहने। लेकिन जब ये हो कि भई इन्होंने जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है, और हम जब सुनेंगे उनकी बात सुनेंगे, इनकी नहीं उनकी बात है, ऐसे में यानी, तो लिहाजा ये यकीन है। तो फिर आप, अब मैंने शुबात बयान किया, आप कहते पता नहीं ये है कि नहीं है, आप कहेंगे मेरे ज़ात पर एतमाद होगा तो आप याद करेंगे। हम तकसीम मेरी सूरत की तो अब सुन में आप कहेंगे भाई ठीक है, तो फिर तो आप याद करेंगे। लेकिन अगर कहेंगे नहीं पता नहीं है अपने तरफ से बात कर रहे हैं, तो फिर बात नहीं चलेगी, समझे बात? तो यहाँ फरमाया कि भाई इन झगड़ों को छोड़ो, पैगम्बर आखिर जमान सल्लम आ गए और उनके आने की पेशनगुई तौरात इंजील ज़बूर तमाम आसमानी किताबों में थी, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने उनकी पेशनगुई की, लिहाजा वो पैगम्बर आ गए बिला चूं चरा उस पैगम्बर को मानो। जब मान लोगे तो पैगम्बर जो बात बताएगा कि ये हक है वो हक है, जो ये बातिल है तो बातिल है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत, बात खत्म हो जाएगी बस झगड़ा। पर मैं कुलन तुम तो ही बून अल्लाह, फरमा दीजिए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेबाए रसूल, कि अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, अल्लाह से दावा है ना असल, तो फत्तबिउनी आओ मेरी इत्तेबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह यानी मेरे पीछे पीछे चलो, फिर अल्लाह तुमसे प्यार करेगा और फिर क्या होगा, वह फिर ज़ुनूबकुम तुमने जो अकायद गलत रखे हुए हैं आ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मई मरियम के बारे में, अब उसको अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर हुजूर के गुलामी इख्तियार करोगे सारे गुज़श्ता गुनाह गए। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अगर तुम फिर गए अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम, ये तमीद है किस्सा मई मरियम के लिए, मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ये तमहीद एक किसी की इब्तिदा यहाँ से होती है कि देखो भाई तुम मैं मरियम को माबूद मानते हो, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के बंदे हैं। ये अगर वो बेटे हो माबूद होते तो ये सारे पैगंबर माबूद होते, क्योंकि इन्हीं के नस्ल से आए। अगर माँ बाप के रिश्ते में बगैर बाप के पैदा हुए तो माँ के रिश्ते में तो है ना आपके साथ, उन्हीं नबियों के साथ है, और ये वही माँ है जिसको मांगा गया उस माँ अपनी माँ ने अल्लाह के दीन के खिदमत के लिए। तो लिहाजा यही जैसे बाकी नबी हैं, बाकी ये कहो कि जी बगैर बाप के तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम का बाप बता दो अगर नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का काम है बगैर बाप के पैदा करें। यहाँ तो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ तो है हजरत
आदम अलैहिस्सलाम के न माँ है न बाप है, न माँ है न बाप है, तो इसलिए ये कहना कि बगैर बाप के हो ही नहीं सकता, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम किधर से आए, उनका बाप बता दो। इन्ना अल्लाह अस्तफा आदम, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन, जहां के रहने वालों पर अल्लाह ताला ने इस खानदान को चुन लिया, अलल आलमीन यानी उस जमाने के जितने लोग थे उन पर अल्लाह ने इनको फजीलत दी, लेकिन बाकी ये बात वाजिया है, नस साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे नबियों पर फजीलत दी। तिल कर रसूल फजलना बाजुम अला, इस नस के साथ दूसरे अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत को सारे उम्मतों पर फजीलत दी, कुन तुम खैरा उम्मत, तो इससे मालूम होता है कि वो जमाने के जितने थे आज उन पर अल्लाह ने इन सबको फजीलत दी। जुरियतम बाजु अमीम बाज, हाँ एक दूसरे के औलाद थे, तो जब औलाद हो गए तो फिर इबादत के लायक नहीं हुए, अगर इबादत के लायक होता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम होते, नूह अलैहिस्सलाम होते, आदम अलैहिस्सलाम होते ना, वो जब वो नहीं है तो हज़रत ईसा भी नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है जानने वाला है। इस कालत इमरा, अब ये पूरा किस्सा बयान हो रहा है, यहाँ से आशिम यानी बकाया किस्सा यहाँ से चल रहा है। अजमी जरूरी है तम बाज हुआ कि देखो बाज की औलाद है, तो इसका मतलब है कि जब पैदा हुआ तो वह इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक वो है जो न किसी से पैदा हुआ न कोई उससे पैदा हुआ। अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, वो ज़ात इबादत के लायक। तो हजरत माई मरियम भी उसकी भी नसबनामा है, हजरत ईसा अलैहि सलाम का भी नसबनामा है कि उनके रिश्ता एक तरफ से मिलता है उनसे जिनको अल्लाह ने पैदा किया, तो वो भी अल्लाह के पैदा करना है, लिहाजा वो इबादत के लायक नहीं। इस कालत इमरान तो इमराना, जब कहा हजरत इमरान की बीवी ने, इमरान बाज हजरात कहते हैं कि पैगंबर थे, बाज कहते हैं कि नहीं वली थे, तो विलायत की दलाइल ज्यादा है नबूवत के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल हमें इसमें झगड़ा नहीं, नेक आदमी थे आशिम या नहीं, ये वो इमरान नहीं है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे आशिम या नहीं, ये दूसरे इमरान है आशिम या नहीं, और ये बहुत उनके जमाने में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन नेक आदमी थे। इन्नी नजर तो लका माफी बतले अल्लाह, ये हजरत इमरान का इंतकाल हुआ और उनकी बीवी उम्मेद सी थी, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे बच्चा दे दे और जो बच्चा पैदा होगा ये तेरी दीन की खिदमत के लिए ये बच्चा वक़फ होगा। होता है ना किसी की औलाद नहीं होती, अल्लाह एक बेटा दे दे मैं आलिम बनाऊँ हाफिज बनाऊँ, ये ज्यादा होते हैं लोग इतनी बात नहीं करते, जब एक होता है ना उसके लिए बड़ी लोग कहते हैं कि भाई आलिम बन जाए हाफिज बन जाए हमारे निजात का जरिया बन जाए, तो इस तरीके से उन्होंने नजर मानी। अजय इन्नी नजर तो लका माफी बतनी, मैंने नजर मानी, इन्नी नजर तो लका, इससे भी वाजह हो गया कि नजर एक अल्लाह का हक है, एक नजर इबादत वाले इबादत मिंदू ने लाए कुफर, नजर इबादत है गैरुल्लाह की नजर क्या है कुफर है, इसी तबार से फरमाया नजर तो लका माफी बतनी मुहर्ररन, ये आजाद होगा दीन के लिए, अजय यानी आजाद किया जाएगा, मतलब है कि दीन के लिए वक्फ होगा, ख्याल तक ये बेटा होगा तो बेटा जाएगा पढ़ेगा आलिम बनेगा दीन फैलाएगा, फतकबल मिलनी
इनका तस्वी आप कबूल कर मुझसे, आप ही सुनने वाले जानने वाले। फलम्मा वजाता, जब जना उसको कालत, कह लगी रब्बे ए रब इन्नी वजातुहा उनसा, मैंने तो लड़की जान ली, मेरा ख्याल था लड़का होगा, अशमिया नहीं। वल्लाहु आलम हो बिमा वजात, ये जुमला मुतरजा है, अशमिया नहीं, या इमरात इमरान के तरफ से या अल्लाह के तरफ से। अल्लाह फरमाते मैं जानता हूँ वाकई लड़की है, अशमिया नहीं। आज दूसरी बात क्या हुआ, आज इनने क्या वल्ला वलैसर कलोनसा, ये भी या तो माई इमरात इमरान के तरफ से के इन लकर कल उनसा, लड़का लड़की जैसे तो नहीं हो सकता। अब लड़की क्या करेगी, वो तो घर में है, मेरा ख्याल जो था वो तो नहीं हो सकेगा। बाज कहती नहीं ये अल्लाह की तरफ से है, वलैसा करो कल, ये ऐसे ही लड़की है इस जैसे लड़का भी कोई नहीं, ऐसी लड़की इस जैसे लड़का भी कोई नहीं। अल्लाह इसके बतन से पैगंबर पैदा करेगा, वो चलो ये नहीं तो इसका बेटा जो है ना वो तो दुनिया को हिदायत के लिए आएगा। वलैसा करो कल उनसा, वइन्नी समयतुहा मरियम, वइन्नी समयतुहा मरियम, मैंने इसका नाम रख लिया मरियम। मरियम के माने क्या है, आबेदा, इब्रानी जबान में आबेदा को कहते हैं मरियम, बड़ी इबादत गुजार, इबादत गुजार, ऐसा नाम रख लिया। वह इन्नी बेका, मैं पना में देते हुए इसको आपके वजूलियता इसके औलाद को, मैंने शैतानी मरदूद से, बच्चे जब पैदा होता है तो उसको शैतान ठूंगा लगाता है जिससे बच्चा रोता है, असमिया नहीं, वो अपना असर डालता है, ऐसा हैरानी है, फौरन पहुंच जाता है कि मेरा मुरीद बनाए, असमिया नहीं, तो बच्चा उसकी टूंगे से चुंडी भरने से रोता है। लेकिन इनकी दुआ आशमिया ने दुआ कब की बरकत ये थी कि हजरत माई मरियम भी और हजरत ईसा अलैहि सलाम भी, शैतान उनके करीब नहीं आ सका। वही नीजे का वजूलियता मिन शैतान रजीम, फतकबला रब्बा बेकबूल हसन है, फिर कबूल किया उसके रब ने, चूंकि नेक नियत ही थी अच्छे तरीके से कबूल करना, यानी इसे पहले ऐसी औरत को कबूल नहीं किया गया, ऐसी औरत आशमिया नहीं। वह अम्बता नबातन हसना, और उगाया बढ़ाया उसको, यानी परवरिश की उसकी अच्छी तरह परवरिश, क्योंकि एक दिन में उसकी परवरिश इतनी होती थी जितनी दूसरी के एक साल में होती है, एक दिन में इतनी बढ़ गई, चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने उसको बनाया जॉन। अब बेतुल मुकद्दस जो बड़ा मदरसा था और मरकज हिदायत था और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने बल्कि अक्सर ने उस तरफ नमाज भी पढ़ी, अल्लाह की जमीन पर बेतुल्ला के बाद बेतुल मुकद्दस ही बनाया गया, तो वहां दीन का मरकज था और जिसके मुतवली और मोतमेम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, और ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के खालू लगते थे, क्या लगते थे, खालू लगते थे, तो पैगंबर भी थे खालू भी थे, दोनों एतबार से अब उनके क्योंकि नजर मानी थी कि ये दीन के लिए वक्फ है तो मैं तो दीन के लिए निकालूंगी, घर से तो इलम नहीं मिलता, तो लिहाजा दीन के लिए जब निकालू तो मामला कैसे होगा, कौन परवरिश करेगा, कौन निगरानी करेगा। वक्फ फला ज़करिया, वह ज़करिया इस्लाम कफील हो गए उसके, ऐसे में नहीं। वकफला ज़करिया कुल्लमा दखला लिया, ज़करिया क्या करते कि बेतुल मुदस के कमरे के अंदर मेहराब आजम इबादत खाना बना दे, और ये एक जगह थी जो ऊंची बनाई हुई थी, कमरा बनाया था ऊपर जैसे बेतुल्ला शरीफ है ना, ऊपर हर आदमी उधर जा नहीं सकता था, उसका भी दरवाजा लगा हुआ था, उसमें बैठाकर सबक पढ़ाकर ज़करिया इस्लाम अपने काम के लिए जाते, शाम को आते घर से वहां से उजरे से निकालकर अपने खाला के घर ले जाते,
रात को वहां रहती, सुबह इधर आती, सबक याद करती, अपने दीन सीखती। अब ज़करिया सलाम आए, देखा तो किस्म किस्म का फल पड़ा हुआ है। यार अजीब मसला है, न इस मौसम में फल है, न इस मौसम में है, और न आने का कोई जरिया मालूम है। दरवाजा भी नहीं टूटा, खिड़की भी नहीं खुली, छत भी नहीं फटी, ये कहां से आ गए? कुल्लमा दखला लया ज़करिया अल-मेहराब वजदा इंदा रिज़्क़ा, पाते उनके पास रोजी। काल या मरियम अन्ना लके आजा, ओ मरियम ये कहां से तेरे लिए आया? आसमिया नहीं, कालत हुआ मिन इंदिल्ला। ये तो बड़ी बईद बात है कि ये कैसे हो सकता है। बोले का बईद नहीं है, अल्लाह जब देता है तो कोई उसमें रुकावट नहीं डाल सकता, बगैर असबाब के देता है, क्योंकि मुसब्बिबुल असबाब है, मुसब्बिबुल असबाब है, वो बगैर असबाब के देता है। ये हुआ मिन इंदिल्ला इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसको देता है देते बगैर हिसाब के। बात ये आ गया, पहले तो शुबे इजाला हो गया, बाकी शुबे तो पहले गुजर गए, ये भी इजाला हो गया कि मई मरियम का अपना इख्तियार नहीं था। मौजा बरहक है, अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को देता है, उसमें नबी का इख्तियार नहीं होता, जरिया वो होते हैं। इसी तरह करामत बरहक है, अल्लाह औलिया अल्लाह को देता है, हक है, लेकिन देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये बात चली जाती है कि लोग नबियों के मौजे वलियों के करामते देकर उनके तरफ मंसूब करके उनको पूजना शुरू कर देते हैं। ये है यानी बुनियादी गलती कि भाई देखो इतना बड़ा काम सरदर्द हो गया इनसे, तो इसका मतलब इबादत के लायक है। आजमी यानी हमेशा लोग इससे गुमराह हुए, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो जब नबी का मौजा देखता है और उस तो वो उसके जहन में आता है कि जो जिसका भेजा हुआ इतनी बरकत वाला है तो भेजने वाला कितने बरकत वाला हो। इसी तौहीद पैदा होती है। आजमी हुजूर का मेराज जला जाना, चांद को दो टुकड़े करना और हजारों मौजे, उनको देखकर सहाबा किराम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती थी कि अल्लाह कितनी ताकत वाली जात है, जब अपने नबी को ऐसे दे सकता है तो उसकी ताकत फिर कितनी बड़ी है। आज मैंने इसलिए मोमने के तो अकीदे में पुख्तगी हो जाती है, और जो यबयबे होते हैं दिल में यकीन, वो जाकर अल्लाह को छोड़कर उनको पूजना शुरू कर देते। ऐसे ये है फर्क थोड़ा, समझे मेरी बात को। इसलिए लोगों ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को अवलिया अल्लाह को उन्होंने पूजा कि वो सारे नस्बत उनके तरफ की उन्होंने, हालांकि नस्बत उनके तरफ नहीं थी, ये तो अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह जब जाता है दे देता है। तो ये आगे जनाब अली ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा। अब यहां क्या कहते हैं जो बीमार है ना अकीदे के, कहते बादशाह मेजरा ते जाओ ते पुत्र मंगो। क्यों? ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मई मरियम के दर पर जाकर बेटा मांगा। देखा ना, कहते वाह 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 वाह, देखा ना मौली साहब कैसे, मौली साहब है कि शैतान है, उस शैतान से पूछो भाई वो ज़करिया अलैहिस्सलाम का मकाम ऊंचा था कि मई मरियम का? पैगंबर वली वली होता है, लेकिन हजारों वली लाखों वली जमा हो जाए नबी तो नहीं हो सकते। नबी का मकाम तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि विलायत मिलती है नबी के इत्वार से, नबी की उसकी गुलामी से मिलती है। जितना गुलामी में कामिल इतना विलायत में कामिल, जितना उसमें नाकिस इत्वार में इतना विलायत में नाकिस। जो नबी का ताबेदार नहीं वो सिरे से मुसलमान नहीं। तो मतलब है कि ये तो सब कुछ मिलता है नबी के गुलामी की वजह से, और नबी को जो मिलता है वो अल्लाह दे रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो कह देंगे वहां ऐसा क्या नहीं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा, समझो बात को, कि या अल्लाह, बाज़ वक्त होता है ना आदमी के दिल में एक बात आती है और दिल से निकलती है, अल्लाह फिर जल्दी कबूल कर लेते हैं उसकी यकीन से। उन्होंने देखा कि या अल्लाह अगर बेमौसम
फल तू माई मरियम को दे सकता है, क्योंकि यहां नाम निशान नहीं है, आने का रास्ता नहीं मालूम, जारी असबाब हो तो बगैर असबाब के तू अगर माई मरियम को फल दे सकता है तो बगैर असबाब के मुझे बेटा भी दे सकता है। मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बांझ है, हम तो इस काबिल नहीं, लेकिन यहां माई मरियम है, अंदर है, कुंडा लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, फल मिलता है, इस मौसम में भी नहीं है, तो अल्लाह जब इसको दे सकता है मुझे भी। होना आले का दाई होना आले का दा ज़करिया रब्बा, वहां ही दुआ की जिक्र सामने अपने रब, लेकिन रब ये नहीं कि मरियम मुझे बेटा दे दे। होना आले का दा ज़करिया रब्बा, वहां ही पुकार अपने रब को, काला रब, दुआ का मजमून क्या है, मजमून दुआ, काला रब हबली मिल्लत उनका, अल्लाह दे दे मुझे कहां से, मिल्लत उनका अपने पास से, अपने मिल्लत उनका जुरियतन तो ये वाह, लेकिन औलाद और सुथरी ये ना हो, बेटा हो चर्सी बंगी, मैं उसे क्या करूं, वो तो उल्टा मेरे बाल बनेगा बदनामी का, बाद औलाद की वजह से बाप बदनाम हो जाता है, जलील हो जाता है, औलाद इसलिए कि बाप की पगड़ी ऊपर करो, शमला ऊंचा करो, वो तो शमला छोड़ो पगड़ी भी नहीं छोड़ते, तो बात ऐसी होती है, ऐसी औलाद की क्या जरूरत, शराबी जानी कंजर बाजारी ऐसे में आने, बदनाम जमाना या मुशरिक ऐसे में आने, उससे क्या फायदा है, औलाद देखो ना बुढ़ापे में मांगा, लेकिन ये नहीं कहा, आजकल तो कहते ना साल नहीं होता शादी का, शाह साहब कोई तावीज करो जी, कोई वजीफा बताओ, क्यों वो जी औलाद नहीं हो रही, कितने साल हो गए, साल हो गया, साल हो गया, अच्छा जी, अच्छा चले जी दुआ कर लो, लंगड़ा होए, शल होए, अन्ना होए, वो पुत्र हो जाए, वो अन्ने से उसर पर उठाओगी, अल्लाह से जो चीज मांगो आला मांगो, अच्छी मांगो, तो नबी क्या करते हैं, होना कदा ज़करिया रब्बा, वहीं पुकारते अपने रब को, रब्बे ए मारे रब हबली मिल्लत उनका, दे दे अपने तरफ से ज़ुर्रियतन तो ये बा ज़ुर्रियतन सहीउल अकीदा सहीउल अमल ज़ुर्रियतन तो ये बा इन्नका समीउ दुआ, तू ही इन्नका समीउ पर मुकदम है, हसर हो गया, क्या हो गया, इन्नका समीउ दुआ, तू ही दुआएं कबूल करने वाला, सुभान तू ही दुआएं कबूल करने वाला है। फनादतुल मलाइका, फिर पुकारा उनको फरिश्तों ने, वो वकाई मुसल्ली, अभी अभी दुआ की बाजी वक्त अल्लाह ताला फटाफट सुन लेते हैं, सुभान अल्लाह, उसके लिए तो कोई रुकावट है ही नहीं। जिब्रील अभी इबादत खाने में नमाज पढ़ रही थी, जिब्रील इस्लाम आ गए, या फिर मैं शेरों का अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है, बेहिया यहिया अलैहिस्सलाम के साथ मुसद्दिकन, जो तस्दीक करेगा कि कलिमत मिन अल्लाह, एक कलमे के अल्लाह की तरफ से, वो कलमा क्या है, कलमा कुन, कलमा इदा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, बस बस मैंने कहा बेटा हो गया, एक कलमा कुन हो गया। राजे जी बात कहते हैं कि ये कुन से मुराद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देंगे कि ऐसा, लेकिन असल बात वही है जो मैंने पहले बताई, मुसद्दिकन में कल, क्योंकि जमाना एक ही था और रिश्तेदार भी थे, खालू लगते थे, मुसद्दिकन बेकलिमत मिन अल्लाह व सैयदन सरदार होंगे, मामूली बेटा भी नहीं, वो तो सरदार होंगे, नबियों के इमाम होंगे, उम्मत के लिए हादी होंगे, वो हसूरन और आजाद होंगे, हसूर का माना यानी शादी की जरूरत चाहेगी नहीं की उन्होंने शादी, हसूर का माना है, वो नबी अमिन सवालिहीन और नबी होंगे नेकोकारों से, अब खुश होंगे, क्या हो गए, अच्छा अल्लाह बेटा होगा, लेकिन कैसे जारी सूरत है ही नहीं, सुभान अल्लाह, देखा आपने, काला रब्बे अन्ना यकूनु ली गुलामन,
अल्लाह मिली बेटा कैसे होगा, वक़्त बलगनी अल-किबरो, ताकि मुझको बुढ़ापा पहुंच गया, वमराती आखिर, मेरी बीबी भी बांझ जाए, वो भी इस काबिल नहीं, मैं भी इस काबिल नहीं। काला कजा अलिक, अल्लाह ने फरमाया काम ऐसा ही, कजा अलमरो कजा लेगा, अलमरो इसी तरह है, न तू इस काबिल न तेरी बीवी इस काबिल, लेकिन यफ़लुल्लाहु मा यशा, अल्लाहु यफ़लु मा यशा, अल्लाह मुब्तदा यफ़लु खबर, अल्लाह यफ़लु मा यशा, अल्लाह ताला ही करता है जो चाहता है, अल्लाह उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। काल रब्बी जाली आया, अब अलामत बताए, खुश हो गए ना, बेटा होगा फिर जल्दी हो जाएगा, फिर जल्दी, फिर कब होगा? काला अल्लाह अकबर, क्या फरमाया? काला रब्बी जाली आया, अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी हो कि उसके हमल के ऊपर दलालत करे। काला आया तो का अल्लाह तो कल मन्नासा, तेरी निशानी है कि बात नहीं कर सका लोगों से, असम यानी सलासता यामिन, तीन दिन तक, इल्ला रमजा मगर इशारे से, लोगों को इशारे से, वे अल्लाह की तारीफ करो, इशारे से बात होगी, आज जबान मोटी, ये बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं हो। मौली साहब कैसे आप, खैरियत है, बीमारी नहीं होगी, अल्लाह की तरफ से निशानी, और ये बताया गया इशारे में क्या कहेगा, से उसकी तारीफ करो। आजकल तो जब दो चार साल बेटा नहीं होता, औलाद हो जाता है, वही मैं हंसी ले आओ, कंजर ले आओ, नचाओ, डुल के तुरिया लाओ कि खुशी मनाओ, वही क्यों, शैतान ने दिए तुम्हें, ऐसे में यानी दिया रहमान ने, खुश करते शैतान, पागल के बच्चों, अल्लाह ताला कोई नेमत कर ले, हमेशा अल्लाह का कानून ही है। देखो ना, अब तुम कुरान मिल गया रमजान में, हुक्म मिला शुक्रिया अदा करो, रोजे रखो, उसके बाद दो रकात शुक्राने के पढ़ लो, फिर बड़ी ईद पर कुर्बानी हो गई, सादत मिल गई, चलो दो रकात पढ़ लो। हमेशा इस्लाम ने तालीम ये दी कि खुशी के मौकों की खुशी गमी किसके तरफ से, अल्लाह की तरफ से, लिहाजा खुशी में अल्लाह को याद करो, सब्र, और गम के अंदर सब्र करो, अल्लाह पर तवक्कल करो, तो दोनों हालात अल्लाह के साथ मुतालिक हैं। लिहाजा मखलूक को खुश करने के लिए मिरासी लाओ, कि शादी हो रही है, ये सारे दुनिया के मिरासी कंजर ले आते हैं, टंग टंग टंग, मौलवी को जनाब अली हजारों रुपए देते तो माँ मर जाती है, उनको हजारों दे देते हैं, क्योंकि असल तो वो है ना, उनके असल तो वो है। अच्छा क्या फरमाया? अल्लाह तो कल मन्ना सा सलासलता अय्यामिन, तीन दिन तक बात नहीं कर सके इल्ला रमजा मगर इशारे से, वस्को रब्बक कसीरा। आहा, अब इसका नेमत के शुक्राना क्या है? वस्को रब्बक कसीरा, याद करो अपने रब को बहुत, वसब्बे बिलशी वलिबगार, खुसूसी तौर पर सुबह और शाम, ये दो टाइम गफलत के दो टाइम, हुजूर ने फरमाया कि दो नमाजें मुनाफिकों पर बहुत भारी है, एक इशा की नमाज एक सुबह की नमाज, ये भारी है, क्यों? इशा में नींद आ जाती है, सुबह आंख नहीं खुलती, ये दोनों टाइम खतरनाक, जो इन दो टाइमों में आदमी मुस्तैद रहेगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह का मुकर्रब बनेगा, अल्लाह के करीब होगा, अल्लाह उसे दीन का काम भी लेगा। पहली बुनियाद है नमाज पर मुदावमत, नमाज की पाबंदी, और तकबीरतुल उला खैर मिन दुनिया वमा फिया, सुभानअल्लाह, कितना अजर है, कमाने के लिए आए हो, फरमाए एक तकबीरी उला के साथ शरीर को ये दुनिया सोने की बन जाए, सब खर्च करो, इतना सवाब नहीं जितना तकबीर उला का है। इधर 10 रुपए देते कहते मैंने कमाल किए जी, 10 रुपए, उधर तो अरबों खरबों नहीं, उधर खैर मिन दुनिया वमा फिया, एक तकबीरी उला, इसलिए तालिब इल्मों को तो खुसूसी तौर पर तकबीरी ओला जो है इनसे छूटनी नहीं चाहिए। ऐसे मैंने, आप तो आए इस काम के लिए।
अल्लाह वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिलशी वल इबकार वइज़ क़ालतिल मलाइकतु मरियम की फजीलत आ रही है। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु जब कहा फरिश्तों ने या मरियम हो मरियम इन्नल्लाह इस्तफा के अल्लाह ताला ने बचपन ही में आपको चुन लिया अपने दीन के लिए इस्तफा के चुन लिया अपने दीन के लिए वह तो हर के और तमाम नापसंदीदा कामों से आपको पाक कर लिया। नापसंदीदा जितने भी अफाल बच्चों के होते हैं ना उसी भी वस्तफा के अलाने साहिन आलमीना और आपको पसंद किया जहां के रहने वाले औरतों पर निसाइल आलम यहाँ एक यानी बुलूक से पहले तो ये हो गया और वस्तफा के अला बुलूक के बाद आपको सारी औरतों पर फजीलत दी। यहाँ एक इश्काल पैदा होता है हमारा आले सुन्नत का अकीदा ये है कि दुनिया में सबसे अफजल औरत जो है हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला उसके बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला उसके बाद माई मरियम है उसके बाद माई आसिया है उसके बाद मूसा अलैहि सलाम की माँ है आशमिया ने ये औरतें फजीलत वाली हैं। लेकिन यहाँ जो कहा ना वस्तफा के अला नसाइल आलमीन इस आलमीन से मराद उस जमाने की औरतें समझ बात जैसे बनी इसराइल को अल्लाह कहते हैं ना कि हमने आपको ये दिया वो दिया और हमने जहां वालों पर आपको फजीलत दी तो ये तो नसे कती से साबित है कि हुजूर की उम्मत सारी उम्मतों से क्या है अफजल है तो इससे मराद है उस जमाने की औरतें समझ मेरी बात। अच्छा जी तो क्या हो गया जी या मरियम वस्ते या मरियम मुकनोती रब्बे के आ फिर क्या हो गया जैसे मकाम ऊंचा ऐसा काम भी ऊंचा हाँ बड़े मकाम वालों का काम भी बड़ा होगा। या मरियम मुकनोती रब्बे के ए मरियम आज ही इख्तियार कर अपने रब के लिए मुकनोती रब्बे के आज ही इख्तियार कर अपने रब के लिए यानी आजाना जिंदगी गुजारो सादी जिंदगी वसुदी वरकई मार्किन और सजदा करें और रुकू करें रुकू करने वालों के साथ से मरादे बाजुमात नमाज औरतों के लिए जुमात तो लाजिम नहीं है घर में पढ़े। माई मरियम चूंकि बैतुल मुकद्दसी भी थी वहां बाजुमात नमाज होती थी बात कहती इसमें इशारा है कि माई मरियम के अंदर अल्लाह ने ऐसी सिफते रखी थी जो पैगंबर आखिर जमान की नमाज की नकल उतारे। ये बाकी लोगों उम्मत की नमाज में रुकू नहीं था और इसमें रुकू है क्योंकि इस उम्मत की नमाज में रुकू है और ईसा अलैहि सलातो सलाम चूंकि बहसियत हुजूर के खलीफे की दुनिया में आएंगे नबूवत का दौर गुजर गया और ईसा अलैहि सलाम की नमाज भी ऐसी होगी जैसी इस उम्मत की नमाज है समझे मेरी बात को। इसलिए तो हजरत हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कशफुल माजूब में कि ईसा अलैहि सलातो सलाम का जो होगा ना तरीका कार वो फिक्र हनफी के मुताबिक होगा यानी इमाम के पीछे फातिहा भी नहीं पढ़े सभी क्यों और अमल से साबित हुआ अमल साबित हुआ कि जब ऐन जंग का टाइम होगा हजरत इमाम मेहदी के क़यादत में लोग जमा होंगे नमाज की तैयारी होगी तो दमिश्क के शर्की मीनारी पर ईसा अलैहि सलाम आसमान से उतरेंगे और नमाज के टाइम हो गया और इसी जैसे ताजा गुसल किया हो अभी सर के बालों से कतरे गिरेंगे तो हजरत इमाम मेहदी फरमाएंगे आप नमाज पढ़ाएं वो कहेंगे नहीं इस उम्मत की इमाम आप हैं मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। अब ईसा अलैहि सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे क्योंकि सूरह फातिहा तो सिर्फ कुरान में उतरी है गुजशत किताबों में नहीं तो सूरह फातिहा तो नहीं आती थी तो नमाज हुई कि नहीं हुई देखा आपने ये है हनफियों का मसलक हनफियों का। और सिर्फ ये नहीं हुजूर जब बैतुल मुकद्दस में गए सवा लाख नबी जमा थे हुजूर ने नमाज पढ़ाई किसी नबी ने सूरह फातिहा पढ़ी बोलो तो नमाज नहीं हुई। ये जो पागल कहते हैं कि ओ जी ला सलात इल्ला ये सब पागलपना है।
तो ला सलात का माना ला नफी जिस के लिए नहीं है, नफी कमाल के लिए, नफी कमाल के लिए है कि पूरी नमाज नमाज नाकिस होगी। क्यों? फातिहा पढ़ना वाजिब है, जब वाजिब नहीं पढ़ोगे तो नमाज क्या होगी? नाकिस होगी। ला नफी जिन्स के लिए नहीं, जैसे है ना ला सलात निजार मस्जिद इल्ला फिर, तो क्या मतलब उसकी नमाज नहीं हुई लेकिन सवाब नहीं हुआ, नमाज पूरी नहीं है, सवाब पूरा नहीं, ये मतलब। ये ला वो नहीं है, ये ला है, ला सलात अल जार ला ईमान अल मल्ला आदल, क्या काफिर हो गया? काफिर नहीं हुआ, ईमान कामिल नहीं है, ईमान कामिल नहीं है जिसका आदो पैमान ना हो। तो ये नफी जिन्स के लिए नहीं, नफी कमाल के लिए, समझ मेरी बात। तो यहां मतलब है कि सारे नबियों की नमाज वह के हनफियों की नमाज 1,25,000 नबियों की नमाज है, ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज, समझ मेरी बात। इतने बड़ा मसला है, जहन में रखो, पूछो इनसे कि तुम बताओ, चलो कोई ज़ईफ़ हदीस लाओ कि नबी ने सूरह फातिहा पढ़ी। क्यों? सूरह फातिहा उतरी नहीं थी तो पढ़ते कैसे? उतरी इस उम्मत में, इस कुरान में उतरी, ये पहली सूरत है, पहले उतरी है, तो लिहाजा नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ते ईसा इस्लाम? कैसे पढ़ते? अभी ईसा इस्लाम आकर कुरान पढ़ेंगे और इशाद करेंगे, हाजिम यानी। तो ये हो गया। अच्छा जी, वयअलमुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल वल किताब वल हिकमत से मराद क्या है? कुरान और हदीस है ना। ईसा इस्लाम आकर तालीम देंगे, सीखकर सिखाएंगे, सीखकर सिखाएंगे। ये आ गया। या बकर मुकनती रब्बे के वसुदी वर कईमा राकी जालिका मिन अंबाइल गैब, जुमला मोतरजा बराए इस बात रिसालत, बराए इस बात। ओ मेरे हबीब, आप मेरे सच्चे पैगंबर हैं, हजारों साल के पुराने वाकयात बयान कर रहे हैं। अगर आप पैगंबर न होते, मैं आपको न बताता, आप कैसे बता? क्यों? आपने किसी लिखना पढ़ना सीखा नहीं था। जो हजारों साल की बात पुरानी आप कर रहे हैं, मालूम होता है कि आप मेरे पैगंबर हैं, समझ मेरी बात। ये जालिका मिन अंबाइल जुमला मोतरजा बलाए इस बात रिसालत, या जुमला मोतरजा बलाए सदाकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी कहे। हाजिर जालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें, नूही इलैक, हम वही की जाती है आपकी तरफ, हम करते हैं, मामा कुन तलतैम, आप उनके पास हाजिर नाजिर नहीं थे, युल्कूना कलामम, जब डालते थे लोग अपने कलमों को, अय्युम यकफुलु मरियम, के कौन कफील बने माई मरियम का। झगड़ा हो गया जी, माई मरियम कुछ के बड़े खानदान, बुजुर्गों के खानदान से थी, हर आदमी चाहता कि बड़े लोगों के खानदान की खिदमत करें ताकि बड़े लोग खुश हो जाएं, जब वो खुश होंगे तो अल्लाह खुश हो जाए, इसलिए लोग हमारी इज्जत करते, वो जी आले रसूल है, वो जी नवासे रसूल है, है? वरना हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हजम यानी। तो इस रिवाज से उस नस्बत को देखा, तो नस्बत तो बड़ी थी, इन लिहाजा का ख्याल था, जब ऐसा का नहीं है, आपने हमारे घर में रहेगी, दूसरे हमारे घर में रहेगी, अल्लाह ने फरमाया ऐसा कर लो, झगड़ा होता है, आप कहें कि कलमे बनाओ और पानी यूं जा रहा है और पानी में कलमे डालो, जो मुड़ कर जाए उल्टा जाए वो कफील होगा, जिनके कलमे पानी बहा लें वो उगाए, जिनके कलम उल्टी जाए पानी यूं जा रहा है यूं, वो कफील होगा। जब कलमे डाली ज़करिया इस्लाम को चल गया, उल्टा चल गया। ये आई हूँ यकफुल मरियम, कौन कफील होगा माई मरियम का, वह माँ कौन तनादेम, और आप उनके पास नहीं थे, यख्तसिमुन, जब झगड़ रही थी इस कुरान दाजे से पहले कि मैं कफील, मैं कफील, इस कालत मलाइका, तो बशारत माई मरियम के लिए, इस कालत मलाइका, तो या मरियम, जब का फरिश्तों ने ए मरियम, इन्नल्लाह युबशिरो के बेकलिमतिन, वो कलमा, इन्नल्लाह युबशिरो के बेकलिमतिन,
अल्लाह खुशखबरी देता है आपको एक कलमे के साथ, कलमा सिमरात के कलमा कुन इजा कजा अमरन फैनमा यकूल लहू कुन, ये कलमा कुन हो जा बस, कलमा कुन है, इसलिए के बाप नहीं है, शादी नहीं हुई, बच्चा हो गया। आइए इस्मु मसीह, उसका नाम मसीह होगा। मसीह का माना एक लेते मुबारक, इस्मुल मसीह मुबारक। बात कहते कि मसीह इसलिए आशिम यानी कि वो पूरी दुनिया में चक्कर लगाएंगे, बहुत सफर करेंगे आशिम यानी, तो इसलिए उनको मसीह कहा गया आशिम यानी। ये जो काना दजाल आ गया ना, इसलिए कभी भी मसीह क्यों एक काना है, कहते मसीह का माना क्या है, जिसकी आंख काणी तो मैं काना लिहाजा मैं मसीह हो गया आशिम यानी। वो जी सर इस्लाम आएंगे आसमानों से आसिम, ओ मैं हूं कुत्ते का बच्चा तू है, खंजीर तो ये देखते नहीं है, मैट्रिक फेल है आसिम, वो तो किसी से पढ़े ही नहीं है, तो मैट्रिक फेल बेईमान आकर है काना भी। नबी हसीन होते हैं, नबी हसीन होता है, नबी से बड़े कोई हसीन नहीं होता, हर ऐब से पाक होता है। कोई नबी लंगड़ा शल काना अंधा गंजा गुंगा नहीं बाबा, सुभान अल्लाह, हर ऐब से पाक, हर ऐब से, बातनी ऐब से भी पाक, जाहिरी ऐब से भी पाक, और नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत, सुभान, ये नबी की शान है ऐसे मैंने। तो इसी विवाद से बेईमान को देखो, फिर कहता है कि भाई मैं कभी आदम कभी मूसा कभी याकूब हूँ, नीज इब्राहिम हूँ, नस्ले मेरी बेशुमार, बाकी को तो कुछ भी नहीं है, अलबत्त इबलीस जरूर है तेरा बाप, इबलीस जरूर तेरा बाप। मनम मसीह है जमानो, मनम कलीम खुदा, मनम मोहम्मद अहमद के मुश्तबा, ऐसा हरामी है, ऐ बकवास करके, यानी मुसलमानों को लड़ाने के लिए आया था ना, तो लड़ाने वाला तो इख्तलाफी मसले लाएगा ना, तब तो लड़ाई होगी, और अंग्रेज लाया इस काम के लिए कि तफरीक गन बेद मुस्लिम है, तफरीक के लिए लाया, इसलिए इस बेईमान ने ना अम्बियाम को छोड़ा, ना आले बैत को छोड़ा, ना साहबा को छोड़ा, ऐसे में हर एक के बारे में बकवास किया, इतना बकता है, इतने गलीज जबान इस्तेमाल किए, नबी के नकला खुलुखे तो अखलाक पर होते हैं, कुत्ते का बच्चा जैसे रू ऐसे फरिश्ते, जैसे अंग्रेज ऐसा उनका नबी माशाल्लाह, वो भी कुत्ते के बच्चे, भी कुत्ते का बच्चा, ये चला गया आशिमिया। ये क्या हुआ, इस्मुल मसीह आशिमिया ने, ईसा बिन मरियम वो कौन है, खबर के बाद खबर, वो कौन है, ईसा इबन मरियम, बाप होता तो इबन फला, क्योंकि बाप बेटे की नस्बत किसकी तरफ होती है, बाप की तरफ होती है, बाप है ही नहीं तो इबन मरियम, और भाई तुम अल्लाह का बेटा बनाते हो तो मई मरियम का बेटा, ईसाइयों के सब ईसाइयों का रहा है ना, ये तो उनका बेटा है। वजीअन फिर दुनिया, हाल ये है कि बड़े मर्तबे वाले होंगे, इज्जत वाले होंगे दुनिया के अंदर, वही फिर आखिरत लबिल मुकर्रबी, और आखिरत में भी अल्लाह के मुकर्रब बनों में से, वही कल मुन्ना सा फिर मादे, दूसरी बात की निशानी क्या है, वही तू तो बेईमाना, तू पढ़ते 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 फिर मैट्रिक फेल हो गया, फिर तू नबी बन गया, इधर तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होती बातें शुरू कर ली, बहुत ही तकरीर शुरू हो गई, वही कल उन्ना सफिल माँ दे, और कलाम करेगा लोगों से माँ के गोद में, माँ से बराबर, हाँ वह कहला, और आखिरी उम्र में कोहूलत, देखो ना बच्चे का चलता है चलता है, 33 साल तक, 33 साल तक आदमी बढ़ता है आदमी, और 33 साल से लेकर फिर 40 साल तक पूरा रहता है, फिर 40 साल के बाद आहिस्ता खिसकल लजीना शुरू हो जाता है, फिर नीचे आता है। हमारी जवानी आपने देखी होती, 7-7 घंटे में बोलता था, थकते नहीं थे हम, अब 1 घंटा बोले तो बस बात हो जाती है, ये तो कुरान की बरकत है कि ज्यादा टाइम, ये मौजा है कुरान का,
नहीं तो मेरी उम्र का तो कोई मूल भी है ही नहीं, पिंडी इस्लामाबाद में नहीं, बाकी मुझे नहीं पता कहीं हो, मैंने नहीं देखा ऐसे मैंने। तो इसी दीवार से अल्लाह के करम अल्लाह का एहसान, तो इसी दीवार से मैं कहता हूं युकल्लिमुन नास फिल मादे वकाला। कुरूलत का जमाना कब होगा? जब ईसा अलैहि सलाम आसमान से आए। युकल्लिमुन नास फिल माद तो हो गया ना, वह कुरूलत का जमाना क्यों? कि ईसा अलैहि सलाम का उरूज 33 साल में हुआ, आसमानों पर जब गए उम्र कितनी थी? 33 साल। आएंगे तो इंशाल्लाह कितनी उम्र होगी, फिर आएंगे ईसा अलैहि सलाम, शादी भी करेंगे, 40 साल या 40 साल रहेंगे, बच्चे होंगे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक, अल्लाह ने मुझे वो जगह दिखाई, वहां उनकी कब्र होगी आखिर। तो कुहूलत का जमाना बाद में आज से यानी, क्योंकि अभी तो शबाब में गए थे, किस में गए थे? इसी में साबित होता है ईसा अलैहि सलाम आसमानों से आएंगे। अल्लाह, मुझे नवाब साहब थे, नवाब अम बड़े मशहूर थे, फरीद खान, और बड़ा साहिब इलम आदमी था, और उलमा से मोहब्बत भी करता, मेरी कोई तकरीर सुनी उसने, मसनवी का बड़ा आशिक था, मैं बहुत पढ़ता था तालिबे वो जवानी के दौर में, आवाज़ भी थी, तो उसने मेरी तकरीर सुनी तो अपने उसको कारदार को कहा कि इनको लाओ मेरे पास। कहाँ है? वो मेरी गाड़ी ले जाओ, झंडे वाली गाड़ी, तो झंडा भी मिला था, नवाब था ना, हम नवाब हम दरबन, तो वो आया इंस्पेक्टर था अब्दुल वदूद खान, और जी आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा नवाब साहब मुझे से क्या कहते हैं? कहने लगे जी कहते हैं मिलना चाहता हूँ, मैं खुद बूढ़ा हूँ जा नहीं सकता। मैं चला गया, असर का टाइम था, बैठा मजलिस बैठी, बड़े उलमा भी और बड़े अफसर शफसर बैठे थे, बड़ा अजीब नूरानी आदमी था। तो जाते ही उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा शाह साहब, मैंने कहा ये ईसा अलैहि सलाम आसमानों पर जिंदा है? मैंने कहा जी हाँ। अच्छा जी, तो ईसा अलैहि सलाम कहते हैं वह अवसानी बिसलात व ज़कात मा दुम तो हया, जितना मैं जिंदा हूँ मैं नमाज पढ़ूंगा ज़कात दूंगा, तो अब बताए ज़कात किसको देते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया उसने, ज़कात किसको देते हैं? मैंने कहा जी आप ज़रा ख़त लिखे ईसा अलैहि सलाम को, उनके पास पैसा कितना है, ज़रा ख़त लिखे पूछे पैसा कितना है, साहिब निसाब होगा तो मैं बता दूंगा, और जेब में टका भी नहीं है। वो उठा खुश हुआ, कहने लगा अल्लाह की कसम है ऐसा जवाब माँ किसी नहीं देता, मैंने तुमको टकरे भी कोई नहीं रहा हूँ। तो फिर मुझे सवाल किया कि जी ये अब बताए कि हजरत मौलाना रूम कहते हैं अवलियारा हस्त कुदरत अज इला तीर जस्ता बाज गर्दा नजरा, कि अवलिया को ताकत है तीर चला कर वापस कर सकते, तो सहाबा से बड़ा कोई वली है? मैंने कहा उनको तीर नहीं लगे। मैंने कहा लगे हैं जी, तो इस मैंने कहा नवाब साहब ये तीर से मरा आपके लोहे का तीर नहीं है, ये अजाब इलाही का तीर है, ये अजाब इलाही का तीर है कि अल्लाह का कार गज़ब मुतवज्जे होता है, और जब अल्लाह वालों के मजलिस में जाओगे वाबस्ता होगे उनसे तो अल्लाह ताला उस गज़ब को रहमत से तब्दील कर देगा। बस खुश हो गया उससे बड़ा सा, फिर 3 दिन मुझे ठहराया, फिर आता था यहाँ जबकि बाग तन का टैक्स ले में वो गाड़ी अपनी भेजता कि शाह साहब को बुलाओ, तो बड़े मसाइल बड़े उलमा उसके साथ 3-4-5 मौलवी भी होते थे उनके, ये काजी साहब है मुफ्ती साहब है, वैसे मुफ्त के मुफ्त काजी थे वो, तो बहरहाल मैंने पीछीदा पीछीदा मसाइल मुझसे पूछता हो जो वो मुताला करता था, तो ऐसे तो ये है जनाब। तो ईसा अलैहि सलाम फिल माद क्या फरमाया? बुढ़ापे में, तो बुढ़ापा होगा उस समय जब आएंगे। वकाला व मिना सालिहीन नेकुकारों से होंगे, हाँ कालत रब्बे अन्ना यकून, आ ताज्जुब भी होगी अल्लाह मेरे लिए बेटा कैसा होगा, व लम यमससनी बशर आज तो मुझे किसी ने छुआ ही नहीं, वो मंगनी शादी तो दरकिनार किसी ने मेरे मुहरे ने मुझे हाथ भी हाथ सुबान, ये मरी मरियम कह सकती थी, अल्लाह की वलिया कह सकती थी, वलम यमससनी बशर मुझे छुआ भी नहीं किसी इंसान ने, काला कजा सुबहान अल्लाह ने ताईद कर दी, काला कजा लिख काला तू ठीक कहती है, अल्लाह यखलो को माशा अल्लाह
मुब्तदा है, यखलुक खबर है। अल्लाह यखलुक मा यशा, अल्लाह ताला पैदा कर जो चाहता है, ऐसे भी या नहीं। मा यशा वजा कदा अमरन, क्यों? जब फैसला करता है किसी काम का, फइन्नमा यकूलु लहु, उसको कह देता है कौन हो जा, फयकून, वो हो जाता है बस। ओ इज़ा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहु कुन फयकून, बस हो जाता है वो। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। वयुअल्लिमुल किताब, अब फजाइल आ गए ईसा अलैहिस्सलाम, किताब की तालीम देंगे। किताब से मुराद कौन सी होगी? कुरान। वल हिकमा हदीस, आया ना हदीस। वह तौरात वल इंजील, तौरात इंजील तो बाद में आ गए। अल्लाह ने फरमाया असल जो ईसा अलैहिस्सलाम आए मोहम्मद रसूलुल्लाह के खलीफा बनकर आए, असल दौर ये होगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया की जमीन पर कोई काफिर उस वक्त नहीं होगा। ये असल ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन। उस दिन तो लड़ाई थी, यहूदी नहीं मानते थे, कहते माज़ल्लाह ये नाजायज जना हुआ है, कत्ल के दर पे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम और साथ होते थे बचाने के लिए। इधर जनाब अली, ये मसला था, सिर्फ 12 आदमी थे जिन्होंने कहा मन अंसारी इल्लल्लाह काल अल हवारियुना नहनो, ये 12 आदमी थे, चंद नौजवान जो साथ खड़े थे। लेकिन जब मौका आया तो फिर तो वो भी साथ नहीं थे, पकड़ कर ले गए अंदर कि सूली देंगे। अब दुनिया में ऐलान हो गया सबको, आओ वही कल इनको सूली दी जाएगी। इन अरबी ने कोई कमी की? अल्लाह ने क्या किया? सुभान अल्लाह, इसकी कुदरत। जिस बेजा आदमी को जाओ भाई उसको पकड़ के जाओ अंदर से सूली देंगे, वो गया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा दिया और उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी होगी, ईसा होगी। आ गया तो कहने वो तो नहीं है, कहने कौन नहीं है, तू तो है। वो लेकर अब जब उसको सूली दे दी, उसके बाद का भाई वो हमारा आदमी किधर गया? वो इस ये ईसा है वो किधर है? अगर ये वो है तो ईसा अलैहिस्सलाम किधर है? इसलिए कुरान फरमाते हैं ये शक में अब भी पड़े, हाँ वलाकिन शुबिया लहु, वही सूरत बनाएगी उनके लिए। तो बहरहाल वो इसी तरह इनके अंदर वही अभी तक हुई यकीन की बात नहीं है इनके अंदर इस तरह। तो इसलिए फरमाया कि ये मेरा काम है कि मैं युअल्लिमुल किताबा, सुभान। देखो असल हुजूर का आना ईसा अलैहिस्सलाम के इसके लिए, कुरान हदीस की तालीम के लिए। वह युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा व तौरात वल इंजील व रसूलन इला बनी, यानी यजअलू रसूला व रसूलन इला बनी इसराइल, रसूलों के बनी इसराइल की तरफ। अन्नी कजीतुकुम, हाँ आकर उनके आने की कैफियत क्या होगी? आने की कैफियत क्या होगी? उनको मुजज़ात दिखाएंगे। देखो अन्नी अखलुको अन्नी कजीतुकुम बे आयतें मेरे रब्बे को, ओ ईसाइयों तुम के अल्लाह का बेटा इसी के ये करता था वो करता था, वो करता तो था लेकिन अल्लाह कराता था, अल्लाह उसमें इख्तियार इनका नहीं था। क्या फरमाया? अन्नी कजीतुकुम बे आयतें मेरे रब्बे को, बे आयतें, ओ जो तुम्हारा पालने वाला मेरा पालने वाला है उसकी तरफ से आए हो। मेरे रब्बे को अन्नी अखलुकुलकुम, मैं पैदा करूंगा बनाऊंगा तुम्हारे लिए, मैंने तीन है मट्टी से, कहते तुहरे परिंदों की शक्ल, फनफुफी है उसमें फूंक मारूंगा, फयकून तोयरन हो जाएगा उड़ने वाला। लेकिन आगे क्या फरमाया? बेइज़्निल्लाह, क्या फरमाया? ओ भाई ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल नहीं है, तुम इसको देखकर अल्लाह का बेटा कह रहे हो? वो कहते बेइज़्निल्लाह बेइज़्निल्लाह, तो इज़्निल्लाह जब हो गया तो बात तो खत्म हो गई। हुजूर गए मेराज पर गए अर्श तक गए, किसकी वजह? सुभानल्लज़ी असरा, ले गए। जब ले गए तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, इसमें हुजूर हाजत रहा मुश्किल कुशा नहीं बने, ऐसे भी नहीं। तो बेइज़्निल्लाह व उबरे उल अकमा वल अबरसा, और अच्छा करूंगा मैं ऐसे भी यानी मदरजादा कोड़े को, अंधे को और कोड़े को, वही अल मौता, और जिंदा करूंगा मुर्दों को बेइज़्निल्लाह। ये भी क्या हो गया?
हलाकुकुम से वह नबीकुम बिमा ताकुलूना, मैं तो ये भी मौजा है मेरा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या खाकर तुम आए हो। वमा तत्तखिरूना फी बुयूतिकुम, अपने घरों में क्या छोड़कर आए हो। इन फी ज़ालिका लाया, इन सारे मौजज़ात के अंदर अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। लाअल्लक इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम यकीन करने वाले हो। ये मेरे इसके अंदर कोई कमाल नहीं, अल्लाह की कुदरत देखो। हाथ में फेरता हूं सेहत अल्लाह देता है, हाथ में फेरता हूं जिंदा अल्लाह करता है। ये मेरा काम नहीं, इसके अंदर मौजज़ात बरहक है, अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को देता है, लेकिन देने वाला कौन है? अल्लाह है। इन कुंतुम मुमिनीन, अच्छा जी, वो मुसद्दिक लिमा बैन यदैया मिन तौरात, और मैं तस्दीक करूंगा, तस्दीक करने वाला जो मुझसे पहले किताब ही तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर कुरान हदीस तो पढ़ाऊंगा, लेकिन इंजील मेरे पास होगी, तौरात की भी तस्दीक करूंगा कि वो अल्लाह की किताब थी, बरहक थी। हाँ, बात चीजें तुमने अपने ऊपर हराम किए, मैं कहूँ ये हराम नहीं है, ये खाओ। अलैकुम वजीतुकुम बेआयत में रब्बिकुम, और आया हूँ मैं तुम्हारे पास दलाइल के साथ तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह व अतीउन, भाई मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, जो है अल्लाह का है, लिहाजा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसलिए मैं इला नहीं हूँ, न मेरी माँ इलाह है। वह इन रबी, आखिरी खुलासे तकरीर, खुलासे तकरीर क्या है? तकमील अकीदा, यूं कह तकमील अकीदा। वह इन रबी व रबकुम, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है। फाबुदू सुभान, ये ईसा रब तकरीर थी, उसी की इबादत करो, मेरी न करो, मेरी माँ की। ये तकरीर तो ईसा अलैहिस्सलाम की है, तो तुम कहाँ से लेकर आए हो? अकीदा। आजा सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफरा, अच्छा जी, इनाद कौम का आ गया, इनाद कौम। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफरा, जब मखसूस किए ईसा अलैहि सलाम ने उनसे कुफर, भाई तुम खालिस कुफर भरो। कालमन, फिर ने कहा अच्छा हमें काफर कहते हो, तेरा बाप मालूम नहीं, लो पकड़ो इनको, सूली चढ़ाओ। वलकालमसानी इल्लाह, मेरे मदद करने वाला कौन है? अल्लाह के लिए इल्लाह, भाई अल्लाह के लिए मेरी कोई मदद करेगा? ये एक मदद होते मा फोकुल अस्बाब, एक होता है मा तख्तुल अस्बाब। तख्तुल अस्बाब मखलूक से मदद मांग सकते हो, भाई मुझे कर्जा दे दो, मुझे चाय पिला लो, मुझे रोटी खिला लो। मा फोकुल अस्बाब जो है वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं, शिर्क उसमें, मा तख्तुल अस्बाब में नहीं। समझे मेरी बात? फलम्मा अखसा ईसा मिनहुमुल कुफरा, जब मखसूस किए ईसा अलैहिस्सलाम ने कुफर, काला मन अंसारी इल्लाह, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के लिए? काला हवारी आमन्ना, काला हवारी होना, कहा हवारी होने, चंद नौजवान थे, कौन थे? बात कहते शाहजादे थे, बात कहते जी हवारी कहते साफ कपड़े साफ करने वाले, इन्हें धोबी थे, क्या थे? धोबी थे। ज्यादा बात यही लगती है कि वो शहजादे जो होते हैं ना, वो किसी के काम नहीं आते, वो खैर ऐसे आरामजादे होते हैं। ऐसे असल बात यह है, गरीबों से हमेशा दीन का काम हुआ, हर दौर में अगर दीन की काम किया, किसने किया? गरीब ने किया। ऐसे में नहीं, अमीर तो अपने माल के नशे पर होते हैं हमेशा, इन लोगों से। ऐसे में नहीं, ये वह सयूद का इन नदीना बदा गरीब मन वह सयूद कमा बदा फतूबा लिल गुराबा। ऐसे मैंने इनके लिए खुशखबरी है, ये मुतवसित तबका जो है ना, अब मदरसों का काम करते यही करते हैं, ये मोटे मोटे कोई वजीर से देखो कभी टका दिया है हरामी ने? एक मदरस एक टका क्या कहते मदरसे खत्म करो, जो भी आता है कुर्सी पर कहते खत्म करें, मौली बेकार है, फितरा फैला रहे हैं। हाँ, तुम बड़े इतिहाद पैदा कर रहे हो, जो सड़कों पर निकल कर हम देख रहे हैं तुम्हारा क्या हो रहा है, पहले हमसे हंसते थे, हम उनसे हंसते हैं, क्या हाल है? ऐसे पहले कहते ये इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है,
अब जितनी दहशतगर्दी सियासी बुनियाद पर कर रहे हैं इधर तो किसी ने किया ही नहीं, सबसे बड़े दहशतगर्दी यही है। ऐसे में यानी तो हवारी धोबी कपड़े लोगों के साफ करने वाले, उन्होंने कहा नानो अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के लिए मदद करने वाले, आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, व शाद भी अन्ना मुस्लिम, आप गवाह जाए हम आप पर ईमान लाने वाले मुसलमान है। रबना, ये हवारीन की दुआ है, रबना मतलब आमन्ना बेमान जलता, हम ईमान लाए उस पर जो आपने उतारा, व तबाना रसूल, हम ताबेदारी करते अल्लाह के रसूल के, फख्तुबना मा शाहिदीना, हमें लेके शाहिदीन सर यानी मुसद्दिकीन, शाहिदीन बमाना आओ तस्दीक करने वाले। मकर अल्लाह, उन्होंने तदबीर की ईसा अलैहिस्सलाम के मारने की, और मकर अल्लाह, अल्लाह ने तदबीर की बचाने की, मकरू या व मकरू, उन्हें तदबीर की मारने की, व मकर अल्लाह, अल्लाह ने तदबीर की बचाने की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाले हैं। कैसी हुई? इस काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ, पांच वादे हुए, किस वादे? पांच वादे, इन्नी मुतवफ, ईसा आप घबराए ना, मैं मारने वाला हूं, ये आपको मार नहीं सकते, मार नहीं सकते। और तवफी गवाना होता है पूरा पूरा लेना, पूरा पूरा, वह वफियत कुल नफ्स मा मिलत, ऐसे में तो दूसरे मुतवफी इसमें फाइल है, इसमें फाइल का कौन सा जमाना पाया जाता है? हाल नहीं है, इस्तकला, इस्तकबाल, क्या इस्तकबाल, इस्तकबाल पाया जाए। ये अभी आपका कुछ नहीं कर सकते, जब वक्त आएगा मैं मारूंगा आपको, ये आपको मार इन्नी मुतवफी का। अब क्या होगा? वह राजीव कही गई, अब तो मैं आपको उठाकर ले जा रहा हूं, मारने का टाइम आएगा तो मैं मारूंगा, मरना है, आप माबूद हो नहीं, मौत आएगी अल्लाह के लिए, मौत नहीं, मालूम होता है कि आप अल्लाह के बेटे नहीं है, क्योंकि आप पर मौत आएगी। बाप बेटा बाप के जिन्स से होता है, बाप के जिन्स से होता है, तो बात असल तो यह है कि जिन्स से होता है, तो जब अल्लाह के लिए मौत नहीं तो बेटे के लिए भी मौत, वही मेरे बेटे नहीं हो मेरे नबी हो, इन्नी मुतवफी का, मैं ही आपको पूरा पूरा उठाऊंगा, मतलब तवफी तो निजाम तो फुनू की राशि, इन्नी मुतवफी का, मैं आपको मौत देने वाला हूं, दूंगा मैं एक वराफी कहिए, अब क्या है, आपको उठाने वाला हूँ अपने तरफ, व मुतायरों का मिनल लदीना कफरू, और पाक करने वालों हूँ काफरों से, आपको हाथ भी नहीं लगा सकते, व जायर, ये पांचवा वादा, व जायर लदीन, पहला मुतवफी का एक वादा, व राफी का ही लिया दो वादे, व मुतायरों का मिनल लदीना कफरू तीन वादे हो गया, व जायर चौथा वादा, व जायर लदीना तबाऊ का, और आपको बनाने वाला हूँ उन लोग जो आप जिनने आपकी ताबेदारी की, फौक लदीना कफरों, इन काफरों के ऊपर, इला यौम अल-क़यामा, क्या सुभान अल्लाह का वादा कैसे पूरा हुआ। आज दौलत यहूदियों के पास सबसे ज्यादा है, अमरीका भी यहूदियों की दौलत पर चलता है, लेकिन हुकूमत किसकी है? ईसाइयों की, कहीं भी यहूदियों की हुकूमत, ये जो है ना फलस्तीन में, ये तो इन्होंने शैतानी कुव्वतों ने सबको अपना एक शे बनाया मुसलमानों के लिए नुकसान देने के लिए, वरना इनके अपने जाती कोई हुकूमत नहीं है, ये तो इनके हवा में, अभी ये उनसे हाथ खींचे दो ये तो घंटे की मार भी नहीं, असल में सारी ताकूती ताकतें इनके साथ है, मुसलमानों के लिए। तो असल बात ये फरमाए इन्नी मुतवफी का व राफियों का इलैया, तो तवफी का माना क्या है? पूरा पूरा लेना, पूरा पूरा मैं आपको लूंगा, अब आपको उठा रहा हूं, मुजाहिदीना तव, सारे वादे अल्लाह ने पूरे किए, बस उसको कैद किया कमरे में अंदर, और सारे इकट्ठे हो गए, जश्न मनाएंगे, आज सूली चढ़ाएंगे, और आदमी भेजा, अल्लाह ने उनको उठा दिया।
वो शक्ल आया उसको मार दी। ये फोकल ने कबर क्या सोम इलैया मरजेउकुम सोम इलैया मरजेउकुम, फिर सब ने लौट कर मेरे पास आना है। फअहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फी तख्तलिफुन, फिर फैसला करूंगा जिन बातों में तुम्हारा इख्तिलाफ था। फअम्मल्लज़ी, फैसला किया होगा। फअम्मल्लज़ीन कफरू, जो काफर होंगे जिन्हें आपकी नबूवत नहीं मानी। फवाज़िबहुम अज़ाबन शदीदा, उनको सख्त सज़ा दूंगा फिर दुनिया वाल आखिरा दुनिया आखिरत में। व मालहुम मिन नासिरीन, इनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। वामल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, हाँ वो लोग जो ईमान ले आए, आपके बारे में बशारत है, अच्छा अकीदा रखा कि वो अल्लाह के बेटे नहीं अल्लाह के नबी अल्लाह के, और मरी मरियम अल्लाह की बीवी नहीं अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की वलिया है। तो फयुफीहिम उजूरहुम, उनको पूरा पूरा अदर अजर देंगे। वल्लाहु ला यहदिल क़ौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं करते। ज़ालिका नतलु अलैका, ये जुमला मुतरजा बलाए इस्बात रिसालत बलाए सदाकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ालिका नतलु अलैका, ये वाकियात जो है हमने जो पढ़े आप पर पढ़ते हैं। हाँ जी मिनल आयात, ये मेरे कुदरत के दलाए इन्हें नबूवत के दलाए ने आया से मराद क्यों ईसा अलैहिस्सलाम के और हुजूर के दरमियान 650 साल का अरसा है। पौने तो पहले गुजर गए, हमें तो 100 साल पहले का पता नहीं कौन गुजरा कैसे गुजरा क्या कहा। फिर हम चलो किताबें पढ़ते हैं तो पैगंबर ने तो लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं था। तो जो हजारों साल पहले के वाकयात बयान कर रहे हैं इससे मालूम होता है कि मैं उनको बता रहा हूं। मैं उनको क्यों कि मैं पैगंबर, आप मेरे पैगंबर हैं, मैं आपका अल्लाह हूं। लिहाजा ज़ालिका नतलू अलैका मिन आयात व ज़िक्रिल हकीम, और ये हिकमत वाले जिक्र इन मसले तकमीली जवाब क्या है। इन मसले ईसा इन दल्लाए का मसले आदम, अच्छा भाई तुम्हारा सबसे बड़ा इतराज क्या है कि अगर ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे नहीं तो अल्लाह का बाप ईसा अलैहि सलाम का बाप बताओ। ये फरमाया अच्छा अगर बगैर बाप के नहीं हो सकता तो तुम आदम अलैहि सलाम का बाप बताओ। इन मसला ईसा देखा, इन मसला ईसा इन अल्लाह का मसले आदम, हमने आदम के खलकों में तुराबिन हमने मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा काल लहू कौन, हमने कहा कौन फयकून हो गया बस। और हमने ईसा इस्लाम की कहा कौन फयकून, ये कौन वहां तो मिट्टी से पैदा हुए या जिब्रील इस्लाम ने गरेबान में सिर्फ फूंक मारी बस हमारे ठहर गए। कौन फयकून अलहको मेरा बेका, हक वो है जो तेरे रब के तरफ से है, तुम अपनी बातें न करो। अल हक को हक वो है जो किसके तरफ से हो। देखो ये एक ही जुमले फरमाया भाई तुम्हारी या हमारी बातों का कोई इतबार है। अच्छा तुम बात करते हो कुरान में है नहीं, हदीस में है नहीं, सहाबा के कौल फैल साबित है नहीं, आईमा मुश्रदीन की फिक्र साबित है नहीं, तो फिर दीन कैसे हुआ, फिर दीन कैसे हुआ तुम्हारे पर वही टीची टीची आती है मिर्जे जैसे मिर्जा मेरे पर टीची टीची आती थी जैसे रू ऐसे फरिश्ते, क्योंकि टीची टीची अंग्रेजी अंग्रेज भेजा हुआ था तो टीची भी शैतान आता होगा उसके ऊपर आए टीची टीची। ये अजीब नबी है, 125,000 नबियों पर तो जिब्रील आते हैं, इस कहने पर टीची आता है। हाँ जी इन हाँ चीज क्या फरमाया अलहको मेरे रब्बे का, अलहको मेरे रब्बे का हक वो है जो तेरे रब से, फला तकुन मिन मुमतरीन आप शक करने वालों में सुनो। फमन हाजा काफी है मैं बाद मा जा कर इलम ऐलान मुबाहला ऐलान अल्लाह
अच्छा भाई मुनाजरा हुआ, कितने दिन बैठे रहे और बड़े दलायल जितने 60 आदमियों पर मुश्तमिल वफद था। ये अबुल हारसा जो था ना, जो मैंने बताया ना, तीन सरदार थे, आकिब सैयद अबुल हारसा, ये बहुत बड़ा उनका पादरी था, बड़ा आलिम था, मनाजिर था, ये उनका नुमाइंदा था, हुजूर से मनाजरा ये करता था। आशिम यानी हुजूर ने बनवा, अच्छा भाई तुमने तो बड़ी बातें की, अब मेरी बात तुम नहीं मानते, तुम्हारी बात में वजन ही कोई नहीं है। अच्छा भाई ऐसा करते हैं ना, मैदान में जाते और जाकर तुम अपने बच्चों को बुलाओ, हम अपने, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनो खुदा हो, हम भी आते हैं। फिर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह जो झूठा है उस पर लानत भेज, उसको तबाह कर। जी ठीक है जी, ये फैसला हुआ। हुजूर ने क्या किया, सैयदना अली को बुलाया, हजरत हसनैन करीमैन को बुलाया, हजरत फातिमा ज़हरा को बुलाया, फकुल न दो अपना न अपना, हसनैन को अपना फरमाया, हाँ निशा न हजरत फातिमा आ गई, अनफुसना हजरत अली आ गए। सुभान, कितने करीब रिश्ता था। आओ मुबायला करते, जब उनके हसनैन के चेहरों पर नजर पड़ गई, उन्होंने कहा हो ये तो ऐसे शहजादे हैं, हाथ उठाएंगे तो हमारा भेड़ा रख हो जाएगा। कहने लगे जी हम नहीं करते, हम नहीं करते, हम नहीं करते, हम आपसे मोबाइल, अच्छा हम पर अब ये भी नहीं कहते कि हम शकस खा रहे, क्योंकि आपके कौम ने भेजा था, पैसे दिए थे, अब मुनाजरे के लिए आओ, वापस जाए मारेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। 60 आदमी ने जनाब अली शकस नहीं दी एक पैगंबर को। तो अब कह लेंगे ऐसा करते हैं, हम सालाना आपको टैक्स देंगे, जिजिया हम पर रख लें, आइंदा फिर करेंगे, आइंदा फिर करेंगे, आज नहीं करेंगे। आयशन यानी एक दफा मेरे साथ यहाँ एक साहब की तरावी, अभी जुमे का दिन था, तो एक अजीज साहब जो थे बुलाए, कुछ लोग आके बात करते हैं मसले मसाइल, मैं समझ आम आदमी, मैं जगह तो मौलवी आई हूँ, किताबें उठाई हुई, मैंने कहा मैं कहला, मैंने कहा यार क्या किस लिए आयो, अच्छा हम बात करते हैं आपसे मनाजरे के लिए, क्यों तरावी पर। अच्छा जी अजीब बात हो गई है, भाई साहब के घर में अजी असीन साहब अल्लाह बख्शे। अच्छा मैंने कहा ऐसा करते हैं, यहाँ तो कोई हमारे दरमियान फैसले वाले तो नहीं है ना मुनसिफ, ऐसा करते हैं कि दो आदमी बैठाते हैं, वो लिखेंगे हमारे दलायल, फिर ही भेजेंगे मदरसों को जिसके दलायल कभी होंगे। कहना ठीक है, हमारे एक मास्टर साहब थे वो कपड़े सी रहे हैं हुसैनी वाले, मैंने उसको कहा कि आप मेरे तरफ से हो, उनके तरफ से दूसरा हो गया। मैंने कहा भाई आपका मौजू क्या है, अब मैंने फंसाया हूं, मैंने मौजू क्या है, कहने का तरावी। मैंने कहा अच्छा तरावी है, आपका दावा क्या है, कहने का अठ। मैंने कहा दलाइल शरी कितने हैं, कहने के किताबुल्ला सुन्नत रसूलुल्लाह, बस। मैंने कहा और नहीं है, और दूसरा बोला नहीं जी हैं जी, मैं क्या है, हाजी हमारे पास दलील क्यास आई मैं मुश्तहिदी। अच्छा मैंने कहा क्यास भी मानते हो, कहने लगे हाँ। अच्छा मैंने कहा इजमाए साहबा हो जाते का नहीं, कहने लगे है, एक ने कहा नहीं, उन्हें कहा है, मैंने कहा देखो है, अब उसमें भी आ गए फंस गए। अच्छा मैंने कहा हो गया, दावा क्या है कि जी अठ, मौजू क्या है तरावी, हैं कितने अठ, दलाइल कितने हो गए, किताबुल्लाह भी हो गया, सुन्नत रसूलुल्लाह भी हो गया, और क्यास भी हो गया, इजमाए साहबा भी हो गया। तो अब मैं अब किताबुल्लाह से साबित करो, मैं किताबुल्लाह में नहीं है, मैंने कहा सुन्नत रसूलुल्लाह से साबित करो। तो कहने लगे काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही इखदा शरकतन फी रमजान वाला फी गैर। अच्छा मैंने कहा ये बताओ ये एक तरावी गैर रमजानी भी है, ये तो फी रमजान वाला फी गैर, या रकाते फी रमजान वाला फी गैर, तो गैर में भी है। अब हैरान हो गए, तो एक दूसरे में एक दूसरे, तू ने समझा मुको आगे करो, मैं तू आ जाओ
अच्छा बताओ रेयर भी है कि नहीं? यहां तो फिर रमजान वाला भी रेरी। अच्छा यहां तो फिर हम फिर रेरी। अच्छा दूसरी में रवायत पड़ी कि हुजूर 13 पढ़ते थे, हुजूर 9 पढ़ते थे, हुजूर 7 पढ़ते थे। वो रवायत सब बुखारी की रवायत है, सब आशीष से ऐसे नहीं। तो मैंने कहा एक ही रावी और 13 की भी हदीस आ गई, 7 की भी आ गई, 9 की भी आ गई, 11 की भी आ गई, 13 की भी आ गई। अब बताओ ये रवायत, चलो 11 वाले पर ही बात करते हैं हम, तो यहां तो 11 कैसे करें? तुम्हारा दावा 8 का है तो दावा साबित नहीं होता। पहले कहा 3 वितर है, मैंने कहा लिखो 3 वितर है, तुम तो 3 मानते नहीं हो। मैंने कहा लिखो 3 वितर है, अब वो लिखते नहीं थे, मैंने फंसा दिए। मैंने कहा 3 वितर है, लिखो भाई 3 वितर 3 है बस, ये लिखो। अब कहते तो उधर मां मरती थी, वो कहते भाई तुमने 3 वितर मान करा, हमारा तो एक है, हमारा इन 3 के दर से आ गए, तुम लिख के ले आए हमारे पास, वही जानू आप क्या होगा। मैंने कहा लिखो 3 वितर है, उन्होंने ये लिखते नहीं है। मैंने कहा लिखोगे क्यों नहीं, लिखो ना 3 वितर है, 11 है तो 8 तरह भी है, दावा कितना 8 का, साबित तुमने किया 3, तो 3 क्या है तुम्हारे बाप का सर है, वही वितर ही है ना। जब ये बात चल गई तो आ गए, तो जुमे का दिन था, उनका जुमे तो जल्दी होता है, हमारा तो माशाल्लाह हम तो असर के साथ पढ़ते हैं, अगर जोर है हमारा तो जोर है ना, होता है मगरब है ना होता है ऐसा क्या। तो मैंने कहा उन्हें कहा नहीं हमारे जुमे, मैंने कहा जुमा जुमा नहीं, अब तो मरता नहीं, मैंने उनको पता लगे सारे आ गए। ओ मैंने कहा भाई पकड़ो कोई जाए ना यहाँ से, सारे आ गए। मैंने कहा पकड़ो ही नहीं कोई जाएगा नहीं, और ये हम जुमा पढ़ के आएंगे। मैंने नहीं जुमा पढ़ के नहीं आ सकते, जुमा नहीं हो गए, और ये हमारा जुमा है। मैंने कहा हम सब खतीब है, मैंने कहा खतीब हो तो जो कुछ हो यहाँ जुमा पढ़ेंगे। मैंने कहा आज साबित करना है तो मैंने 8 तरह ली, उनसे हो ही नहीं सकता था, हो नहीं सकता। फिर आखिर में उन्होंने क्या किया, अच्छा कह लगे जी आप बताएं, आप बदलिएगा। मैंने कहा मानोगे? कहने का मैंने लिख लो, मैं हदीस अगर इजमाए सहाबा से मैं पेश करूं तुम्हारा, तो मैंने कहा इजमा सहाबत अला न तरावीह 20 रकअतन सिवा अल-वितर, ये कहा है? मैंने कहा बेकी शरीफ, उनके पास बेकी थी। मैंने कहा दे दो, मैंने निकाल। कहने लगे ये तो हमारी किताब है। मैंने कहा तुम्हारी है मेरी, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे दादी ये तो हदीस की किताब है। मैंने इजमा सहाबत अला न तरावीह 20 रकअतन, बहुत बात बनी नहीं। अब मैंने कहा देखो भाई कि भाई हम शिकस्त खा गए, हम 8 साबित, कह लगे नहीं लिखेंगे नहीं। मैंने कहा मैं छोड़ूंगा बस। फिर वो अजी साहब ने कहा वो गणित पुत्रो लिखो ना, मेरे जब फिर आ जाओ, लेकिन अच्छा लिखो ना अच्छे ताकि जुमा पढ़ा सको। फिर लिख लिया कि आज हमसे साबित न हो सका, वो गए हो गए, फिर नहीं आए हमारे पास, ऐसे ही बस ऐसा जाए भी राय है बस ऐसे ही। अलहक वो मेरा बेका, हाँ जी यहाँ क्या अलहक वो मेरा बेका हक वही जन वाला तो फमन हा जगह फी मिम्बा दे माजा कमिन अल इलम, अगर आपसे लड़ते हैं इलम आने के बाद फकुल ना दो अपना ना वह अपना हुक्म, फरमा दीजिए तुम बुलाओ अपने बेटों को, हम अपनी औलाद को, वनिसा ना वनिसा हुक्म तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, व अनफुसना तो अपने जानों को, व अनफुसकुम हम अपने जानों को, सुम्मा नबतहिल। फिर मोबाइल आकर क्या माना, दुआ करते इकट्ठे होकर अल्लाह जो झूठ है इस पर लानत भेज। उन्होंने कहा वाह वाह हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बस गए। सुम्मा नबतहिल फनज लानत अल-ज़ालिमीन काजिबीन, हम भेजेंगे लानत झूठों पर। इन्नाज़ालक ओ मेरे हबीब आप जो बयान करते हैं यही सच्चे कैसे हैं। इलाइन और नहीं कोई माबूद वमामिन इलाइन इल्लल्लाह सिवा अल्लाह के, व इन्नल्लाह लहुवल अजीजुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है,
हाशमी आई फ़ैन तव अगर ये फिर जाए जजर है फ़ैन अल्लाह बिलमोफीन अल्लाह तला जानता है फसादियों को। बस यार आज एक मीटिंग है, मैं कल भी सबक नहीं हुआ था, या जो सरकारी मीटिंग है बड़े लेवल पर डिवीज़न में, वो मुझे बनाया उन्होंने वो अमन कमेटी का वो चेयरमैन होता है ठीक होता है, तो कल से टेलीफोन आ रहे हैं कि जी आप आए, तो मैं ज़रा मीटिंग में 12 बजे मीटिंग है तो मैं शरीक हो जाऊँगा। ऐसा करते हैं कि रात को ज़रा खुलासे हाँ, लेकिन रात को मगरब के बाद तो मेरा बयान है यहाँ पीर फकीर शाह क्या ना है कादरी मस्जिद, तो इंशाल्लाह इशा के बाद हाँ इशा के बाद ज़रा खुलासे ताकि खुलासे जल्द हो जाए ना, कोई साथी लेट भी आए आगे पीछे सारा मामला ठीक करो ना, अगर रमजान है हाँ हाँ मानसे ने हाँ तेरे ग्राम है तू हूँ उतें पहुंची न कर जाने वो आखिर रमना तो राम करीब है।